नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सिद्धार्थनगर मुख्यालय स्थित एक होटल में लोक गायिका मैथिली ठाकुर से एफटी न्यूज़ ने बात की। संवाद के दौरान मैथिली ने कहा कि बॉलीवुड में संगीत को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ के गायक अल्पकाल्पिक होते हैं और कुछ दिनों के बाद विलुप्त हो जाते हैं, किंतु शास्त्रीय संगीत से जुड़े गायकों को पूरी दुनिया याद करती है। शास्त्रीय संगीत हमारी सांस्कृतिक विरासत है। इस विरासत को लोक कलाकारों ने संभाल कर रखा है। उन्होंने बताया कि उनका जन्म मधुबनी में हुआ। एक सवाल के जवाब में मैथिली ने बताया कि भगवान श्री राम मेरे आदर्श हैं। भजन और सूफी गजल गाने से दिल को सुकून मिलता है। गौरतलब है कि मैथिली दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध एक कॉलेज से स्नातक की छात्रा है। उनके दो छोटे भाई हैं। मैथिली को शास्त्रीय संगीत विरासत में मिली है। उनके दादा अशोक सिंह ठाकुर और पिता रमेश ठाकुर की संगीत में गहरी दिलचस्पी रही है। वे राजस्थानी, बंगाली और मराठी में भी गा चुकी हैं। उनकी इच्छा तेलुगु में भी गाने की है। कपिलवस्तु में उनके द्वारा गाए गए हुए गीतों पर श्रोता भाव विभोर हो गए। बिहार में ये खराब है, वो खराब है, जबकि बिहार में मैं हमेशा जाती रहती हूँ। मतलब हर महीने में तो दो तीन बार चली ही जाती हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि जितना लोग डिपेक्ट कर रहे थे इतना खराब है, वो खराब है, इतना तो बिल्कुल भी नहीं है। बिहार बहुत अच्छा है और उसका मैंने अपने शब्दों में बताया। 2017 के बाद से लगातार उस दौरान आपके 70,000 फॉलोवर थे, लगातार आपके फॉलोवर बढ़ते जा रहे, क्या मैसेज देना चाहते हैं? 2017 में 70,000 नहीं, जब मैं रियलिटी शो से पहले 11,000 फॉलोअर थे मेरे, वो 11,000 से अभी हम लोग 1 करोड़ होने वाले हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ किस दिन, जिस दिन 1 करोड़, मतलब अभी एक दो हफ्ते के बीच में पूरे हो जाएंगे। और सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि सभी लोगों ने मुझे उस समय से अभी तक सपोर्ट करते आ रहे हैं। और रोज़ रोज़ मैं जब फेसबुक पर लाइव जाती हूँ रात के 10 बजे, तो सभी लोग जुड़ते हैं और हम लोग बातचीत करते हैं। आप पिताजी आपको बता रहे हैं कि ये आप विरासत को सहेज रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पिताजी संगीत के शिक्षक हैं, माताजी पूरे आपके कार्यक्रम को मैनेज करती हैं, या कहीं आप संगीत के शब्द को गलत इस्तेमाल हो जाता तो टोक देती, क्या कहेंगी आप? ये सब मुझे घर से ही मिला है। मेरे दादाजी से मैंने वो जो शुरुआत की चीज़ होती है, शुरुआत में सुनना, तो वो सब चीज़ मेरे दादाजी से मुझे मिला। इंस्पायर किया उन्होंने मुझे, और जिस तरीके से वो हमेशा भक्ति के गीत गाते थे, राम सीता जी के वो डिवोटी हैं, तो वही गीत सुनते सुनते मतलब मुझे इंटरेस्ट जागा कि मुझे भी गाना है।